इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी हजरात, सबसे पहले तो मैं आपको रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हजरात, इसी के साथ मेरा एक छोटा सा सवाल है ज़कात के सिलसिले में। जैसे मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारे पास रुपए रखे हों, एक साल पूरा ना हो पाता हो, खर्च हो जाते हों, जैसे आते हैं जाते हैं, 50,000 हो, 1,00,000 हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, या 10,000 क्यों ना हो, तो सभी जो हैं खर्च हो जाते हैं, रुकते नहीं हैं पैसे, एक साल से पहले 2-4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, या 1 महीने में, तो पैसे आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, एक साल पूरा नहीं हो पाता है, तो इसका क्या रास्ता है, कैसे ज़कात निकालें, इसी के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहता था। और जैसे आपके वीडियोस तो देखता हूँ मैं, कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं आपके वीडियोस में, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यही सवाल बाकी थे, यही इसी का जवाब नहीं मिला था, तो इसी के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। हजरात बताइए, मेरा नाम नैन हुसैन है, मैं रहने वाला इंडिया यूपी गोरखपुर से हूँ, रहता हूँ सऊदी अरब रियाद में। जी जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। याद फरमाने का मसाले शरीयत चैनल पे आपका शुक्रिया। रमज़ान आपको भी बहुत मुबारक हो, और ये बहुत अच्छी बात है कि अक्सर सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस चैनल को चलाने का मकसद भी यही है, और इसीलिए इसमें ऑडियो सवाल भी ऐड किए जा रहे हैं, ताकि चैनल जो है मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग का फ़िलहाल और फिर उसको एडिटिंग का टाइम नहीं है, तो इस वजह से मैं इसमें ऑडियो सवाल अब ऐड करने लगा हूँ, ताकि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जवाब पहुँचे और आपको फिर सवाल पूछने की भी हाजत ना हो, और अक्सर जवाब आपको अपने सुन्नी चैनल पर मिल जाएँ, ताकि आप किसी बदअकीदा चैनल के मोहताज ना रहें। आपकी सूरत जो आपने बयान फरमाई है कि पैसा जो है वो रुकता नहीं है, और अक्सर मामला ऐसा होता भी है, यानी लोगों के पास साल में पैसा आता जाता रहता है लेकिन पैसा बचता नहीं है, तो इस सूरत में ज़कात होगी या नहीं होगी? तो इसमें एक बात जो है वो काबिले गौर है, वो ये है कि ज़कात का वाजिब होने के लिए माल बाकी, यानी जो अपने अखराजात और कर्ज वगैरह से हटकर जो सेविंग हो, उस पर एक साल भी गुजर चुका हो। अभी सूरत हाल जैसे ये है कि आपके पास माना 1,00,000 रुपए आए, और वो 3 महीने में फिर चले गए, फिर 10,000 रुपए आए, या तनख्वाह आई, सैलरी आई, और वो फिर अगले महीने ख़त्म हो गई, लेकिन उसको हटाने के बाद बचत आपने 2,000-1,000 हर महीने जोड़ते चले गए, और वो बचत जो जोड़ी है वो इतनी पहुंच गई कि जिस पर ज़कात वाजिब होती है, तो फिर आप पर इस तरह ज़कात वाजिब हो जाएगी। और अगर जो मसला आपने बयान किया कि पैसा आता है रुकता नहीं, चला जाता है, चाहे वो माल में चला जाए या वापस किसी को देना हो या सारे खर्च हो जाते हों, और ऐसा रुपया नहीं बचता कि जिस पर एक साल गुजर जाए, ज़कात की बराबर रुपया नहीं बचता कि जिसमें साहिब निसाब बंदा हो, तो इस सूरत में ज़कात वाजिब नहीं होती। यानी ये कि फिर आपको जो है वो ज़कात वाजिब नहीं है। मगर इसमें एक सूरत और पाई जाती है कि जिससे लोग अक्सर गाफिल होते हैं, वो ये समझते हैं कि हम पे हर अलग अलग माल पर एक साल गुजरना ज़रूरी है, जबकि ऐसा नहीं होता। यानी पहला साल बंदे के साहिब निसाब होने के लिए ज़रूरी होता है, और जब वो एक बार साहिब निसाब हो गया तो फिर अगले साल तक उसके पास जितना भी पैसा आएगा वो सब ज़कात में जोड़ा जाएगा, चाहे वो ज़कात अदा करने से एक दिन पहले आए। इसको इस तरह समझेंगे जैसे किसी के पास जनवरी में कोई शख्स साहिब निसाब हुआ, मसलन ये कि उस पर 30,000 रुपये हैं और इस पर ज़कात वाजिब होती है, 30,000 रुपये की रकम पे अगर ज़कात वाजिब होती है, ये 52.5 तोला चांदी की जो है ना मिल्कियत
30,000 अगर बैठते हैं और इस पे ये ज़कात वाजिब होती है 30,000 रुपये पे, और ये इसको एक साल जो है वो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे जनवरी में पूरा होता है। वैसे तो ज़कात वगैरह के जो मामले होंगे वो सब जो है चांद की तारीख और इस्लामिक महीनों के एतबार से होंगे, लेकिन एक मिसाल के समझाने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप पर जो है ना साहिब निसाब आप जनवरी में हो गए, 30,000 रुपये आपके पास हैं, और अब जाके जब अगला साल करीब आएगा और उसमें दिसंबर में आपके पास फिर 50,000 रुपये और आए, तो लोग ये समझते हैं कि अब ये जो 50,000 आए हैं तो ये दिसंबर में आए हैं तो अब इसका एक साल दिसंबर में होगा, तो ऐसा नहीं है। इसको भी ज़कात में जब दो महीने बाद जो जनवरी आएगी उस ज़कात में इस पैसे की भी ज़कात निकलेगी, यानी साहिब निसाब एक बार हो जाने के बाद जब ज़कात निकलेगी तो कुल माल को जोड़कर ही निकलेगी, चाहे वो माल कुछ वक्त पहले ही आपके पास आया हो तो उसको भी जो है वो जोड़ दिया जाएगा। तो अगर ऐसा है कि आप साहिब निसाब हो गए 30,000 के एतबार से और आपके पास 1,00,000 रुपया आ गया और आप ये सोचते हैं ये 1,00,000 रुपया दो महीने बाद चला जाएगा, तो यानी किसी काम में लग जाएगा या खर्च हो जाएगा, तो फ़कत इस तरह से वो पैसे को ज़कात से अलग नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आप पहले से साहिब निसाब हैं ही नहीं और आपको मालूम है कि ये पैसा साल भर तक नहीं रुकेगा, फिर ज़कात आप पे वाजिब नहीं है। नफिल सदका खैरात करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर सेविंग अलग से नहीं है तो, और अगर ऐसा है कि साहिब निसाब हैं तो जो नया पैसा आएगा उसको भी जो है ना वो ज़कात निकालते वक्त ऐड करना होगा। पुराने